नमस्कार। होली की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से एमए की कक्षा के लिए मुद्रा मूल्य के सिद्धांत का टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले कक्षा में भी, पिछला जो लेक्चर हमारा वर्चुअल कक्षा में हुआ था, उसमें भी मुद्रा मूल्य के सिद्धांत लेके आए थे, लेकिन उसमें फिशर का, कैम्ब्रिज सिद्धांत आदि सिद्धांत लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद के जो सिद्धांत हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपको मुद्रा मूल्य के बारे में जितने भी सिद्धांत हैं उनको हमने काफी हद तक कवर कर लिया गया है। ये मेरा परिचय है। आज जो चर्चा करेंगे, पिछली कक्षा में हमने फिशर का सिद्धांत किया था, कैम्ब्रिज सिद्धांत किया था और केंज का सिद्धांत किया था। आज इसमें करेंगे मुद्रा का आय व्यय सिद्धांत, जिसको बचत निवेश सिद्धांत भी कहते हैं, और केंद्र द्वारा पुनः व्यवस्थापित मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फ्रीडमैन का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन, और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखेंगे आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाएंगे इसी लेक्चर के बेस के आगे। तो सबसे पहला जो मुद्रा का आय व्यय सिद्धांत है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत से संबंधित आपको फिशर, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनके बारे में बताया। देन हमने कैश बैलेंस अप्रोच, नकदी शेष, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के अंतर, जिसमें मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, किंज के बारे में बतलाया था। और आज जो हम लेके आए हैं, तीन सिद्धांत लेकर आए हैं आपके सामने। एक, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करने में मुद्रा का आय और व्यय का सिद्धांत, जिसको बचत निवेश सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, किंज ने दोबारा से रिफॉर्मुलेट किया, उन्हें प्रतिपादित किया, उस सिद्धांत को लेकर आए हैं। और तीसरा जो है ना, हम फ्रीडमैन का सिद्धांत है मुद्रा के परिमाण को लेकर। तो आज इन तीन सिद्धांतों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जो फिशर का सिद्धांत था वो सिद्धांत, या कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में बताया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी जो है में, अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो उससे वस्तु तथा सेवाओं की समस्त मांग बढ़ जाती है। और अगर उसकी कमी कर देते हैं मुद्रा की पूर्ति में, तो वस्तु और सेवाओं की समस्त मांग में कमी भी आ जाती, विलोम्यता का मतलब यही है। और इस तरह से जो है ना, लेकिन महामंदी का, जब 1929 में महामंदी आई थी पूरे विश्व के अंदर, तो ये अनुभव हुआ कि मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि करते हैं, तो देखो मुद्रा की जब पूर्ति में वृद्धि करते थे, तो हमने उस दिन बताया था मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में कि वस्तु की कीमत में भी वृद्धि उतनी ही मात्रा में होती है और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का मूल्य में और मुद्रा की पूर्ति में विपरीत संबंध होता है, और मुद्रा की पूर्ति में और कीमत में सीधा संबंध होता है। ये पिछली कक्षा में हमने आपको बतलाया था। तो उसमें क्या हुआ कि मुद्रा की जब पूर्ति में वृद्धि की गई, तो ये अनुमान लगाया गया कि लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जो है ना अपना व्यापार उद्योग धंधे में वृद्धि होगी, जिससे वस्तु तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होगा, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। लेकिन महामंदी के दौरान ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको लेकर विचार किया जाने लगा कि सप्लाई ऑफ मनी जो है सही से नहीं हो सकता है, अकेला कारक नहीं हो सकता है मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने के लिए। इस आय व्यय का सिद्धांत को टूके ने, विक्सेल ने तथा एफ्टेलियन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन और अंतिम रूप से केंज द्वारा इसको विकसित किया गया। इनका मानना था कि समस्त मांग में परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण ही अपितु आय में परिवर्तन से होता है। इनका कहना है कि जो वस्तुओं की मांग की जाती है उसमें मुद्रा की पूर्ति का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि आय के कारण जो है ना वस्तुओं की मांग की जाती है, और मुद्रा का मूल्य का निर्धारण जो ना वस्तुओं की मांग ये नहीं करती है। उनके अनुसार जब
आय में वृद्धि होती है, एक व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय, तीसरे व्यक्ति की आय, और समस्त आय को राष्ट्रीय आय कह देते हैं। एक देश में निवासरत समस्त रहवासियों की आय को अगर जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है, सभी सेक्टर्स को लेकर। तो जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वस्तु तथा सेवाओं की समस्त मांग में भी वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है कि लोग अधिक व्यय करते हैं, अधिक खर्च करते हैं, अधिक चीजों का क्रय करते हैं, अधिक वस्तुओं का क्रय करते हैं, अधिक सेवाओं की मांग करते हैं। और अगर उतनी वस्तु की मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उससे कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, और जब कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य कम रह जाता है। ऐसी बात किंज बाद में अपने इस सिद्धांत में बताता है कि अकेला मुद्रा की पूर्ति ही कारण नहीं मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने के लिए। मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य का तात्पर्य आपको पिछली कक्षा में बताया था कि एक मौद्रिक इकाई से, आपका 100 रुपए का नोट है, उससे हम कितनी वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो आप 10 वस्तुओं का क्रय कर सकते हो 100 रुपए से। अगर वस्तु कीमत 20 रुपए है तो आप वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं 5। तो इस तरह से ये हो गया उस वस्तु की, उस मुद्रा का मूल्य। और मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है? वस्तु की कीमत से, यानी कि वस्तु कीमत बढ़ने से उस मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं का कम क्रय कर पाते हैं। तो ये बात अभी तक पूर्ति के साथ जुड़ी हुई थी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। लेकिन किंज ने और विक्सेल ने आके बताया कि अकेला मुद्रा की पूर्ति कारक नहीं है मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने के लिए, आय भी और आपके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यय किया जाता है वो भी एक कारक हो सकते हैं मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने के लिए। इसलिए कहा गया कि जब भी उपभोक्ता की आय में या किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक बात है कि वस्तु सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, और अगर वस्तु सेवाओं की मांग में जो वृद्धि हो रही है उसी के अनुपात में वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है। वस्तुओं की कीमतों में जब वृद्धि होगी तो उससे मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी। इसके विपरीत अगर जब आय में कमी होती है तो वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। मांग में कमी होगी, जो बाजार में पहले से वस्तुएं उपलब्ध हैं उन्हीं वस्तुओं की मांग नहीं है, तो व्यापारी या उद्योगपति या उद्यमी ये चाहेंगे कि हमारी वस्तुओं की बिक्री हो जाए तो वो हो सकता है उस वस्तु की कीमत कम कर दें ताकि उनको अपना सिर्फ वस्तुओं की लागत प्राप्त हो जाए, तो इससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था में किंज के अनुसार, विक्सेल के अनुसार, मुद्रा का मूल्य का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति के द्वारा नहीं अपितु राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय के द्वारा निर्धारित होता है। और इसको जो है बचत तथा निवेश की मात्रा पर भी निर्भर करने के बताया है। इसलिए मुद्रा के आय व्यय सिद्धांत को ध्यान देने लायक बात है कि क्या कहा जाता है, आपको बचत तथा निवेश का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब कीमत स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन लोगों की आय तथा व्यय, बचत तथा निवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। दोनों चीज है, कीमत का स्तर भी किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है, आय के द्वारा, व्यय के द्वारा, बचत के द्वारा और निवेश के द्वारा। दूसरी तरफ मुद्रा का मूल्य भी इन्हीं कारकों के द्वारा निर्धारित हो रहा है। ये देखिए आप, हम कुछ इक्वेशन लेके आए इसमें। इसमें कुल मुद्रा आय किसी समय अवधि में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य है या मूल्य है जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी राष्ट्रीय आय जब हम फिजिकल यूनिट में लेते हैं, भौतिक इकाइयों में लेते हैं तो वाय कहलाती है। और इसको जब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं तो वाय को कैसे निकालेंगे, यानी कि किसी देश में जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो जो है आउटपुट है, और उसको जो है हम वस्तुओं की कीमतों से गुणा कर दें तो उस देश की राष्ट्रीय आय को मौद्रिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू पी इंटू ओ के बारे में, और p कैसे निकालेंगे कि y डिवाइडेड बाई ओ, उस देश की राष्ट्रीय आय को, मौद्रिक आय को,
वाय क्या है, मुद्रिक आय है। मौद्रिक आय को, मुद्रा व्यय को अगर उसके उत्पादन से बाहर कर दें तो हमारे पास जो प्राप्त होगी वो क्या होगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। जब वो उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा की अपेक्षा मुद्रा आय तेजी से बढ़ती हो तो पी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। तो इसमें जो नीचे बात लिखी है, अगर देश में वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है, सेवाओं का उत्पादन कम होता है और उनकी मांग ज्यादा है, उन पर हम ज्यादा खर्च करने को तैयार है, तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। अगर तो ये जो है ना, उसने बताने का प्रयास किया है कि आपका जो है वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की अपेक्षा मुद्रिक आय बढ़ जाए आपकी, या जो है ना उत्पादन कम हो जाए तो पी कीमतों में वृद्धि ज्यादा होने लगती, जिससे मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है। कुल मुद्रा वाई कुल व्यय के बराबर होती है, और कुल व्यय किसके बराबर होता है, उपभोग के और निवेश के। ये आप लोगों को सामान्य क्वेश्चन है। वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वाई किसको दिखा रहा है, आपकी आय को, कुल मौद्रिक आय को। ई किसको दिखा रहा है, एक्सपेंडिचर कुल व्यय को। ये किसके बराबर होते हैं, उपभोग व्यय के बराबर और निवेश व्यय के बराबर। आप अपनी आय को किन चीजों पर करते खर्च, या तो आप अपना उपभोग करेंगे, आप अपनी बुक्स लेंगे, आप अपने फूड आइटम्स लेंगे, आप अपने मकान का किराया देंगे, या जो राशि बच जाती है उसको हम क्या करते हैं, बैंकों में सेविंग करते हैं, और बैंक उस राशि को निवेश करता है, उद्यमी के द्वारा लोन देकर निवेश करता है। तो इस तरह से दो ही चीज होती है आय में, या तो सी प्लस आई, या तो उपभोग करेंगे या उसका निवेश करेंगे, ये सब चीजें बराबर होती है। अब दूसरा, इसी सिद्धांत को बचत निवेश के माध्यम से भी व्याख्या की जाती है। तो बचत निवेश सिद्धांत से तात्पर्य क्या होता है, सेविंग कैसे निकालेंगे। एस फोर क्या है, सेविंग बचत। वाई क्या है, आपकी इनकम आय, राष्ट्रीय आय। अगर पूरे देश की बात करेंगे तो एस क्या कहलाएगी, देश की बचत कहलाएगी, राष्ट्रीय बचत कह देंगे। वाई क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, और सी क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उपभोग कहलाएंगे, और एक व्यक्ति का भी ऐसा ही होता है। तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि आपकी जो आय है उसमें से जो राशि हम उपभोग पर खर्च कर लेंगे और शेष राशि क्या करेंगे, हम उसकी बचत कर देंगे। तो यानी कि आपकी मान लो 100 रुपए आय है, तो 100 रुपए आय में से आपने 50 रुपए अपने उपभोग पर खर्च कर दिया, ट्यूशन फीस पे कर दी, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, वो सारा उपभोग हो गया आपका, और जो बचा 50 रुपया वो आपकी सेविंग हो गई, वो आपको एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी कहलाता है। और आई क्या होगा, जब आई को भी निकालने के लिए y माइनस सी करके, यानी कि उसमें से जो हम y माइनस सी करेंगे, जो राशि बचेगी, यानी कि जो सेविंग है वही हमारा उसका बचत कर, बचत जो करते हैं उसी को हम निवेश कर देते हैं। y को काट दें माइनस को, तो जो है s इक्वल टू i आ जाएगा आपके पास, अगर इन चीजों को बदल दें। अब अर्थव्यवस्था में दो स्थिति निर्मित होती है, एक या तो बचत निवेश से ज्यादा हो जाए या निवेश बचत से ज्यादा हो जाए, दो चीजें की स्थिति निर्मित होती है अर्थव्यवस्था में, और वो मुद्रा के मूल्य को कैसे प्रभावित करती है। ये बात हम, क्योंकि हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं मुद्रा के मूल्य का सिद्धांत। अगर ये मान ले कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय बचत जो एस दिखा रखा हमने, अधिक है राष्ट्रीय निवेश से, सेविंग किससे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जब हम सेविंग ज्यादा करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या होगा, हम वस्तुओं की मांग कम करेंगे, उपभोग कम करेंगे। उपभोग कम करने का मतलब क्या हो गया, मांग में कमी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मुद्रा का अधिक संग्रह करेंगे। आप बैंक में ज्यादा निवेश करेंगे, या डिमांड डिपॉजिट बढ़ जाएगा, सेविंग ज्यादा करना पड़ा, आपका व्यय कम हो जाएगा, आय में उससे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कीमतें कम होने लग जाएगी, क्योंकि उद्यमीकर्ता को, बिजनेसमैन को, व्यापारी को अपनी चीजें बेचनी है, अपनी वस्तुओं का विक्रय करना है, तो क्या करेगी, कीमतों में कम करके उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास करता है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता मार्केट में आए। और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी, जिससे निवेश में कमी होती है,
और आय रोजगार तथा उत्पादन में भी कमी आने लग जाती है, यानी कि सब चीजों में प्रभावित होने लग जाती है। मुद्रा का कीमत कम हो गई है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ये चक्कर चलता है कि बचत और निवेश के माध्यम से कैसे कीमतें प्रभावित होती है और कीमतों के प्रभावित होने से मुद्रा का मूल्य कैसे प्रभावित होता है। यदि किसी राष्ट्र की बचत किसी देश के राष्ट्रीय निवेश से अधिक होती है तो इसका तात्पर्य है कि उस देश में उपभोग कम किया जाने लगा है। उपभोग कम होने के कारण जो है आपका वस्तुओं की मांग कम होने लग गई है। वस्तुओं की मांग कम होने के कारण मुख्य कारण क्या है कि अब अधिक से अधिक मुद्रा को हम संग्रह कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं बैंकों में, जिससे हमारा व्यय कम हो जाता है। व्यय कम होने के कारण वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए व्यापारी वर्ग अपनी वस्तुओं की कीमतों को कम कर देते हैं। व्यापारी वर्ग की कीमतों के कम करने से मुद्रा का मूल्य में वृद्धि हो जाती है। और लेकिन इसका विपरीत अर्थ अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है कि रोजगार उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरा इसमें जो है दूसरी स्थिति कौन सी निर्मित होगी, दूसरी स्थिति निर्मित होगी व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, जब हमारा किसी व्हेन नेशनल इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन नेशनल सेविंग्स, यानी किसी देश का राष्ट्रीय निवेश उस देश की राष्ट्रीय बचत से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या स्थिति नहीं तो मांग में उल्टा हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब लोगों को अधिक रोजगार मिलता है। निवेश जब सरकार करेगी, व्यापारी वर्ग करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, कॉरपोरेट सेक्टर करेगा, तो देश के अंदर सड़कों का निर्माण होगा, रेलवे लाइनों का होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होगी। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की मांग में अधिक वृद्धि करते हैं, यानी कि उपभोग अधिक होगा। जब आपके पास रोजगार उपलब्ध रहता है तो मांग में वृद्धि होगी और लोग मुद्रा का कम संग्रह करते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार बढ़ने के अवसर ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। व्यय अधिक होगा जिससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के चक्कर में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दें, एक। दूसरा हो सकता है कि निवेश करना और निवेश से उत्पादन को प्राप्त करना में टाइम लग लगता है, समय अवधि की जरूरत पड़ती है। निवेश आज आपने किया 2018 में किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, लेकिन वस्तुओं की प्राप्ति कब हो रही, 2020 में। लेकिन 2018 से 2020 की अवधि में आपने इंजीनियर को, लेबर को, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी को, इन सब पर व्यय किया है, खर्च किया, उनकी आय बढ़ी है। उत्पादन नहीं होने के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है, मांग अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो ये बचत निवेश सिद्धांत था। इसके बाद इसका जो है कैसे कुल मुद्रा वाय के पीछे चली जाए, ये जो है दूसरा सिद्धांत आता आपका जो आज के इसमें है, केंज द्वारा पुनः व्यवस्थापित मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इससे पहले था बचत तथा निवेश सिद्धांत, उससे पहले था आज था व्यय का सिद्धांत, और ये तीसरा सिद्धांत है। केंज ने 2-3 बार सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, पहला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के साथ, और दूसरा आय व्यय के सिद्धांत के रूप में, और तीसरा उसने फिर से इसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। वो है, अब उसने प्रतिपादन करने से पहले कुछ मान्यताओं को लिया। कहता है जब तक अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी है तब तक उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति लोचदार रहती है। बेरोजगारी का मतलब व्यक्तियों की बेरोजगारी अकेला नहीं है, संसाधनों की बेरोजगारी है, यानी कि हम संसाधनों का पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाते, पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, तो वह संसाधन क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। मनुष्य के मानव पूंजी का अगर सही से हम उपयोग नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, आप इतनी एजुकेशन लेते और आप अगर सेवा नहीं कर पाए, नौकरी नहीं कर पाए, तो आपकी मानव पूंजी का
आपका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो अनुत्पादक रह गया है। जब तक उसकी संभावना है तब तक उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति लोचदार है, यानी कि आपकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी कितना ही निवेश करते जाएं। दूसरी जो बात कहता है, सभी जो बेकार साधन है, बेकार का मतलब जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जो उपयोग में नहीं लाए गए हों, वो समस्त साधन समरूप है, एक समान है, पूर्णतया विभाज्य है, जिनको किसी दूसरे चीजों में लगाया जा सकता है तथा परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। पैमाने का प्रतिफल स्थिर होता है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है, स्थिर है, एक समान गति से इंक्रीज होता है। स्थिर का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा, 10, 20, 30, 40, ये किस प्रकार का पैमाना हुआ? स्थिर पैमाना हुआ, हर बार 10-10 की वृद्धि हो रही है, 10 उसमें 10 जोड़ दिया कितना हो गया 20, 20 में 10 जोड़ दिया 30, 40, संख्या तो कितने से बढ़ गई 10 से 40, लेकिन पैमाना कौन सा हुआ? स्थिर पैमाना हुआ। इंक्रीजिंग में क्या होता है, 10, 25, 50, 100, 150, तो इंक्रीजिंग हो जाता है, तो डिक्रीजिंग में 10, 20, फिर 25, 5 ही बढ़ा तो डिक्रीजिंग हो जाता है। तो जब तक बेकार संसाधन यानी कि अपुर्युक्त जो है या जिनका प्रयोग नहीं किया गया है, संसाधन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, तब तक प्रभावी मांग तथा मुद्रा का अनुपात भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा का परिमाण भी बढ़ेगा और कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी, मुद्रा के मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी। ये इसके बाद जो है इस सिद्धांत को इस मान्यताओं के आधार पर उसने विवरण दिया कि इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर मुद्रा के परिमाण तथा कीमतों में होने वाले परिवर्तन ब्याज की दर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष संबंध होता है उनके बीच में। अब ये सीधा कीमतों की बात नहीं कर रहा है, इसने कौन सा कारक ले आया, ब्याज की दर। फिशर क्या कहता है कि वस्तु की कीमत में और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। यहाँ ये क्या कह रहा है कि संबंध तो है वस्तु की कीमत में और मुद्रा की पूर्ति में, लेकिन वो सीधा नहीं है, अप्रत्यक्ष है, किसके द्वारा, ब्याज के दर के माध्यम से है, सीधा प्रभावित नहीं करता है। कहते एम, ये क्या दिखा रखा हमने, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर कम हो जाती है, यानी कि व्यापारिक बैंक किसी भी देश के अपनी ब्याज दरों को कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उनके बैंकों में मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक है, सप्लाई ऑफ मनी अत्यधिक है, लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए लोग नहीं है, तो वो अपनी ब्याज दर को कम करने का प्रयास कर देते हैं। आजकल ब्याज का दर का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और कौन से टूल अपनाता है, बैंक दर, रेपो रेट जिसका नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, इनके माध्यम से ब्याज दर को प्रभावित करता है। जब बैंक दर में या रिवर्स रेपो रेट में या रेपो रेट में जब अंतर करता है तो व्यापारिक बैंकों की ब्याज दर भी प्रभावित होती है। बैंक दर वह दर होती है जिसमें व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, एडवांस लेते हैं, लेकिन आपका जो ब्याज दर वह दर है जिसमें व्यापारिक बैंक व्यापारियों को, ट्रेडर को, बिजनेसमैन को, उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराते हैं, साख उपलब्ध कराते हैं, क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं, एडवांस उपलब्ध करा देते हैं, लोन देते हैं, तो वो रहती है। और इसमें जो है ब्याज की दर क्या हो रही है, कम हो जाती है अगर इंक्रीमेंट इन सप्लाई ऑफ मनी में है, लेकिन पूंजी की सीमांत उत्पादकता दिए होने पर उसमें कमी नहीं हो रही है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता का मतलब समझते हैं आप, पूंजी की सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य यह है कि जब किसी अतिरिक्त पूंजी की इकाई को लगाया जाता है तो उस अतिरिक्त पूंजी की इकाई से मिलने वाली आय
में वृद्धि है या कमी है। अगर वो ब्याज दर से ऊपर है तो इसका मतलब प्रत्याशित आय की दर अधिक है, तो इसका मतलब अतिरिक्त पूंजी की इकाई लाभकारी है। यानी कि आपने 100 रुपए लगाए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आपने 50 रुपए और लगा दिए, तो 50 रुपए जो लोग लगाए गए हैं वो मार्जिनल अंतिम इकाई है, उस समय कितना प्राप्त हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या स्थिर होगा। तो यह कहते हो दी हुई है, तो निवेश में जो भी वृद्धि होगी गुणक के प्रभाव में, गुणक का मतलब ये होता है कि अगर 100 रुपए का निवेश करते उससे डबल ट्रिपल मल्टीपल इम्पैक्ट होता अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो जो है ना गुणक के प्रभाव के माध्यम से प्रभावी मांग में वृद्धि होती, जिससे आज अर्थात रोजगार में वृद्धि होती। ये स्थिति अर्थव्यवस्था में बेरोजगार होने तक चलती रहेगी। साधनों में जब तक बेरोजगारी है अर्थव्यवस्था के अंदर, ध्यान देने लायक बात है यहाँ, अर्थव्यवस्था में जब तक संसाधन बेरोजगार है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसाधन का प्रयोग सही से नहीं हुआ है, उपयोग सही से नहीं हुआ है, इसका मतलब वो बेरोजगार है, बेकार है, तब तक जो है ना आपकी कीमत में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो पूर्ण रोजगार की स्थिति एम में वृद्धि होने पर कीमतों में, लेकिन दूसरी स्थिति कब होगी, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी। कौन स्थिति आ जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आ जाता है तो अब स्थिति क्या होगी, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है, अगर मुद्रा की पूर्ति को वृद्धि करते हैं। दो चीजें आपके सामने, एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है और उस स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि नहीं होती। दूसरी स्थिति कब है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग कर लिया गया है, हमारे पास जो है भूमि का, आपके पास मिनरल्स का, सभी का पूर्ण से उपयोग कर लिया गया है, तो वो जो है ना अगर उसके बाद मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमतों में भी वृद्धि होती है। किसमें होती है, कीमतों में। ये दो पॉइंट है देखने के लिए, क्योंकि ये चीज क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं बता पाए, फीसर नहीं बता पाया, मार्शल नहीं बता पाया, पीगू नहीं बता पाया कि कीमतों में वृद्धि किस कारण होती है, और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। एकदम मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उनका कहना था कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन कीन्ज ऐसा नहीं मानता है कि मुद्रा की पूर्ति होने से एकदम कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। वो कहता है ये तभी होगा जब पूर्ण रोजगार की स्थिति पा ली जाएगी, लेकिन क्योंकि कीन्ज जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति को नहीं मानता है, बोले ये एक मतलब अतिवादी चरण होगा। वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की बजाय अल्प रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती। यही एक मतलब मेन डिफरेंस था उन लोगों के बीच में। इसके बाद ये डायग्राम है, देखिए इस डायग्राम से आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो दो चीजें हैं, डायग्राम गूगल से हमने लिया हुआ है और उसका रेफरेंस हमने डाल दिया है, www.google.com से लिया हुआ है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। अब देखिए इसमें एक्स एक्स पर क्या लिया हुआ है, आउटपुट उत्पादन है, दो डायग्राम है ए और बी, ध्यान देना इसको। ए डायग्राम में दो चीज है, वाई एक्स पर क्वांटिटी ऑफ मनी लिखा हुआ है, यानी कि मुद्रा की मात्रा दी हुई है, मुद्रा की पूर्ति को दिखाते हैं इससे। दूसरी तरफ आपका जो एक्स अक्ष है, जो आपकी क्षैतिज रेखा है, उस रेखा पर चित्र ए में उत्पादन लिया हुआ है, ठीक। और आपका जो ओ टी सी ये क्या आपका उत्पादन वक्र है, ये क्या आपका उत्पादन वक्र है। आप देखिए यहां पर देखने वाली बात है, जब ओ बिंदु से हम चलते हैं मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो क्या हो रहा है, टी बिंदु तक मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उत्पादन भी
बढ़ता है। ये सप्लाई करो जैसा डायग्राम है, सप्लाई करो का मतलब समझते हैं ना, कीमत वक्र, कीमत नियम क्या कहता है, कीमत और पूर्ति का नियम क्या कहता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है, मात्रा में वृद्धि होती है। ये क्या कह रहा है, ओ से टी तक क्या कहता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होती है टी बिंदु तक। लेकिन वहीं टी बिंदु से नीचे आप देखेंगे ओ एफ, यानी कि संसाधनों की पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई है। पूर्ण रोजगार की स्थिति आने पर अगर इसके बाद टी बिंदु के बाद हम एम जो आपकी मुद्रा की मात्रा को दिखा रहा है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, एम से ऊपर एक लाइन और खींच दें, तो आप देखेंगे कि उत्पादन टी सी वर्टिकल हो गया है, लंबवत हो गया है, यानी कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही। ये स्थिति कब कह रहा किंज कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और उस स्थिति में हम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं तो पूर्ण रोजगार होने के कारण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती बल्कि वो स्थिर हो जाते हैं। तो टीसी भाग जो है लंबवत होने के कारण स्थिर हो गया है, इसमें किसी भी प्रकार की वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। इसी तारतम्य में आप चित्र बी में चलिए, वाई एक्स पर तो वही मुद्रा की मात्रा ली हुई है, एम ही दिखाया हुआ है, और जो एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा है आउटपुट के स्थान पर क्या लिख दिया है, प्राइसेज कीमत, और वहां आपका वक्र था ओटीसी, यहां वक्र क्या हो गया ओआरसी, ओपीआरसी भी दिखाएंगे। तो आपका जब तक मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, जब तक रोजगार पूर्ण रोजगार नहीं है तो पीआर का जो पोर्शन है ये लंबवत है, उधर ओटी कैसा है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ और इधर पीआर कैसा है लंबवत, इसका मतलब उत्पादन में तो वृद्धि हो रही कीमतों में नहीं हो रही है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमत स्थिर है तो मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। देखिए ओटी क्या है, वस्तुओं का उत्पादन, मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है ओटी बढ़ रहा है, और पीआर क्या है आपका स्थिर है, लंबवत है, स्थिर है वो। लेकिन जैसे ही टी बिंदु पर पहुंचते हैं, टी बिंदु से पहले हमारे अर्थव्यवस्था के सभी संसाधन बेकार हैं, उनका प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन टी संसाधन जब टी बिंदु पर आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाती है, और यहाँ पर आर सी यानी कि कीमत वक्र जो है अब लंबवत होने की बजाय ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य होगा कि इस बिंदु के बाद अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन नहीं बढ़ता अपितु वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये कब स्थिति आती है, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार से अगर नीचे की स्थिति है तो अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि नहीं होती अपितु उत्पादन में वृद्धि होती है। तो टी से नीचे आपका अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, पूर्ण रोजगार नहीं है, इसलिए उत्पादन बढ़ रहा है और कीमत स्थिर है। लेकिन टी बिंदु और आर बिंदु ऐसे हैं कि जहां पर पूर्ण रोजगार आ गया है तो कीमत में वृद्धि हो रही है और उत्पादन स्थिर हो गया है, ये इसका मतलब था। फिर केंद्र ने कहा कि इतना आसान नहीं है, चीजें जटिल होती हैं, चीजें मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं उसने फिर जटिलता की ओर ध्यान दिलाया, इसमें भी ध्यान देने की बात है आपको कि मुद्रा का परिमाण जिस अनुपात में बढ़ता है, यानी कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है उस अनुपात में प्रभावी मांग नहीं बढ़ती। प्रभावी मांग का मतलब वस्तुओं की मांग नहीं करते हम, क्योंकि इसका कुछ भाग उत्पादन बढ़ाने में रख लिया जाता है, कुछ भाग कीमत बढ़ाने में खर्च हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है, कीमतों में वृद्धि हो गई तो उसकी वजह से खर्च हो रहा है। और जब तक संसाधन बेरोजगार हैं,
सामान्य कीमत स्तर उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब बेरोजगारी खत्म हो जाती है, पूर्ण रोजगार आता है, तो स्थिर प्रतिफल के स्थान पर घटता प्रतिफल प्रारंभ होने लग जाते और लागत बढ़ने लग जाती है, कीमत बढ़ने लग जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। चीज बोला हमने मान्यता क्या ली थी, स्थिर प्रतिफल पैमाने की। वो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए जटिलता इसकी, ये एक्स एक्स पर आउटपुट लिया हुआ है, वाई एक्स पर कीमत ली हुई है। डायग्राम बड़ा सिंपल है, ये डी डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव सिक्स ये प्रभावपूर्ण मांग है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोग है, और आपका जो एस दिखा रखा है जाके ऊपर जाके वर्टिकल हो जाता है पी से लेके एस तक, ये वस्तुओं का पूर्ति वक्र है, वस्तुओं की मात्रा है, इधर पी कीमत है और आउटपुट है। तो जब पी से ई बिंदु पर देखेंगे आप, तो वस्तु का पूर्ति वक्र और डिमांड वक्र डी आपस में काटते, की वस्तु उत्पादन होता है, पी वस्तु कीमत का निर्धारण होता है। यहां तक संसाधन बहुत ज्यादा बेरोजगार है ई बिंदु तक, और किसी भी प्रकार की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती, कितना ही आप बढ़ा के रखें। लेकिन जैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती क्यू से क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, आप देखेंगे पी पहले कम बढ़ा, फिर पी टू ज्यादा बढ़ा, और जब फुल इम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो आपका जो पूर्ति वक्र आके ऊपर एक लंबवत लाइन हो गई है, लंबवत रेखा हो गई, खड़ी रेखा हो गई, इसका मतलब वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा, सिर्फ मांग बढ़ रही, जिससे कीमतें बढ़ती, यानी कि मांग बाजार में बनी हुई है, मुद्रा की पूर्ति जो है बढ़ाने से आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ती, वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती, और इससे कीमतों में वृद्धि एकदम जंप करने लगती है, घटता प्रतिफल का नाम लागू हो जाता है, और इस कारण से जो है ये हमारा लंबवत हो गया, और ये कहता है कि ये मुद्रा का मूल्य कम कर देगा आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति में आने पर। तो ठीक है, क्योंकि समय कम है, आगे एक और सिद्धांत भी अपने कराना है। ये इसकी आलोचनाएं हैं, मुद्रा परिमाण तथा कीमत में सीधा संबंध है, कि अप्रत्यक्ष। ये आलोचकों ने कहा कि केंज ने कोशिश करी कि मुद्रा के परिमाण में कीमत में ब्याज के माध्यम से संबंध स्थापित होता है, लेकिन फ्रीडमैन और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें सीधा संबंध ही पाया जाता है। मुद्रा की मांग स्थिर रहती है, बोला कि मुद्रा की मांग सदैव बनी रहती, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। मुद्रा की प्रकृति को समझने में विफल रहा, यानी कि मुद्रा केवल वस्तुओं का कीमत का निर्धारण नहीं करती है, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करती है, बच उसकी बचत करती है, तो वो इन सब चीजों को बताने में सफल रहा। और मुद्रा का प्रभाव जो है ना, उसने पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग से लाकर से रोक दिया गया, उसके और अन्य कारकों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये चार छह बिंदु में इसकी आलोचना है। नेक्स्ट बिंदु जो है ना आपका आता है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो फ्रीडमैन का सिद्धांत है। फ्रीडमैन ने थोड़ी व्यापक परिभाषा दी, केन से भी अच्छा, फिशर से भी अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से भी अच्छा सिद्धांत दिया। उसने कहा कि मुद्रा की मांग का एक सिद्धांत है परिमाण, पहले तो उसने कहा अनुसार परिमाण सिद्धांत पहले मुद्रा की मांग का एक सिद्धांत है, बाकी सी चीजें बाद में। बोला कि मुद्रा की मांग अपने आप में एक सिद्धांत है, बोले ये उत्पादन का या मौद्रिक आय का या कीमत स्तर का सिद्धांत नहीं है। हम मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, बोले ये सवाल है, ये अपने आप में एक सिद्धांत है। ये नहीं कि मुद्रा की मांग इसलिए की जाती कि उत्पादन होना है या कीमत स्तर बढ़ गई इसलिए होना है। उसने कहा कि ये भी अपने आप में एक सिद्धांत है, इसलिए मुद्रा एक परिसंपत्ति है। उसने कहा दिस इज ए असेस्ट, मनी इज ए असेस्ट, इट इज ए कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु है उसने कहा। और मुद्रा की मांग जो है, जब मुद्रा की जो मांग करते हैं, मनी की जो मांग करते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल, ये परिसंपत्ति अथवा पूंजी का भाग है। परिसंपत्ति व्यापक वर्ड होता है, पूंजी परिसंपत्ति व्यापक वर्ड है, अकेला करेंसी नहीं है। आपके पास रुपए पूंजी नहीं है, आपका जो रुपया इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, इज ए पार्ट ऑफ एसेट्स, इज ए पार्ट ऑफ परिसंपत्ति का जो एक भाग है,
आपके आपके रोड है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, ये सब परिसंपत्ति कहलाती है। मानवीय पूंजी भी परिसंपत्ति है। तो फ्रीडमैन ने इसको एक व्यापक नजरिया दिया, व्यापक दृष्टिकोण दिया मुद्रा की मांग के सिद्धांत को। 10-15 मिनट बचे हैं, तो देखो उसने मुद्रा की मांग का मुख्यतः निम्न चरों का फलन होने की संभावना हो सकती है। उसने तीन चरों के बारे में बताया कि कुल संपत्ति जिसके अंग इस प्रकार है, दूसरा मुद्रा अन्य परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दरें, और तीसरा अन्य चर। बोला कि मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं। बोले तो मुद्रा स्वीकार्य कारक है, वस्तुओं के लेन देन करने के काम आता है, सेवाओं की खरीदारी मुद्रा के माध्यम से की जाती है, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। तो बोला जो आपके पॉकेट में जो रुपया है, पैसे हैं, सिक्के हैं, ये करेंसी है, मुद्रा आपके पास, दिस इज ए पार्ट ऑफ टोटल एसेट, कुल परिसंपत्ति का भाग है ये, ठीक है। दूसरा बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब यह है कि आप जब इसको अपनी राशि को डिबेंचर में, बॉन्ड में, जो एक निश्चित अवधि के लिए फिक्स करा देते हैं, जमा कर देते, स्थाई जमा, आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है जिसको हिंदी में सावधि जमा खाता बोल देते हैं, उसमें जमा कर देते हैं। बॉन्ड जारी करता है अपनी, विभिन्न प्रकार की कंपनियां करती, दूसरे लोग करते हैं, तो वो बॉन्ड के अंदर इक्विटीज, शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं विभिन्न कंपनियों के अंदर, विभिन्न जो पंजीकृत कंपनियां हैं शेयर मार्केट के अंदर, उसमें जो हम निवेश करते हैं, आप सीधे भागीदारी नहीं है, प्रत्यक्ष से भागीदारी उस कंपनी के अंदर, तो वो इक्विटी कहलाती है, शेयर कहलाती है। यानी कि आप भी अगर आज रिलायंस कंपनी में या टाटा कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1,000 रुपया 2,000 रुपया, इसका मतलब आप भी उस कंपनी के भागीदार हो गए हैं। अगर कंपनी को लाभ होता है तो आपको भी लाभ होगा, और कंपनी को हानि होगी तो आपको भी हानि होगा। ये इक्विटी है, अंशधारिता, यानी कि आपके पास भी है, अंशधारिता की बात है। दूसरी इसके बाद भौतिक वस्तुएं, यानी कि जितनी भी फिजिकल गुड्स है, आपके नदी, नाले, पहाड़, रोड, सब आपकी जन इक्विपमेंट्स, आपके हाउसेज, आपकी सब प्रॉपर्टीज, ये सब आपकी फिजिकल गुड्स होती है, ये भी आपकी उसमें पार्ट है। तो ये सब की कुल परिसंपत्ति के भाग कहलाते हैं। इसके बाद आता है मुद्रा और अन्य परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दरें, ये भी परिमाण, यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, क्या प्रत्याशित आय होगी, वो भी कुल परिसंपत्ति का, कुल संपत्ति के कारण होता है। और इसके बाद उसने कहा कि तीसरा जो कारक होता है मुद्रा की मांग के लिए, डिमांड फॉर मनी के लिए, वो है हमारी आदत, रुचि। हम अपने फैशन की वजह से, रुचि की वजह से, खान पान जो हमारी आदत, उसकी वजह से हम मांग करते हैं। हर व्यक्ति की, हर परिवार में भी देखोगे कि मुद्रा की मांगने की नेचर, प्रकृति, नजरिया, दृष्टिकोण, रुचि, आदत अलग अलग होती है। तो बोले ये भी एक कारण होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग को अधिक व्यापक ढंग से व्याख्या करने की प्रयास किया है। अब देखो हमने इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रखा, इसमें एम ओवर पी है, यानी कि मुद्रा की मात्रा का और पी का संबंध बताया जा रहा है कि मुद्रा की मात्रा का द्वारा या मुद्रा का मूल्य का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, वो पी के द्वारा, प्राइस के द्वारा होता है। और ये फंक्शन एफ और फंक्शन फलन है, ये कुछ नहीं, जो चीजें हमने पीछे बताई थी वही चीजें हमने मैथमेटिकल नोशन के रूप में रखी है। वाई डब्ल्यू आर एम आर बी आर ई जी पी एंड म्यू। एम क्या है, मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक, मांगी गई मुद्रा का कुल स्टॉक है। पी जो है वस्तु, एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का कीमत का स्तर है, आपका प्राइस लेवल है नेशनल लेवल के ऊपर। वाई क्या है, आपकी वास्तविक आय, यानी कि मौद्रिक आय नहीं है, रियल इनकम ऑफ द कंट्री। W क्या है, भौतिक वस्तुएं, जो भी हमने आपको बताई। आर एम क्या है, मुद्रा और अन्य परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दरें, यानी कि जो मुद्रा हम निवेश करते हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिल रहा है उसको बताते हैं। और आर ई जो है ना, आर बी, बी फॉर बॉन्ड, आर
आर भी आपको बॉन्ड से यानी कि जो जो आप मुद्रा को निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर एनएससी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो रहता है आपका या कंपनियों के द्वारा या वित्तीय कंपनियों के द्वारा जो समय समय पर डिबेंचर जारी किए जाते हैं यानी कि वो उसको हम बॉन्ड कह देते हैं। हुंडीज आ जाती है इक्विटीज। इसके बाद आर ई इक्विटीज यानी कि शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं वो आ जाता है उसका फलन है। जीपी वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन की प्रत्याशित दर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए आने वाले समय हो सकता है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए। म्यू इसको या यू भी लिख सकते हैं आप म्यू ना लिखना चाहें। अन्य चर जैसे आदत और रुचि है यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मौद्रिक मुद्रा का मूल्य का निर्धारण अकेला कीमत नहीं करता है इतने सारे कारक उसका निर्धारण करते हैं ये उसने बताने का प्रयास किया है। और ये उसका डायग्राम है आपके से फ्रिडमैन का जो है ना डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा होगा। इनकम दे रखी है उसने और नीचे एक्स एक्सिस जो है क्षैतिज अक्ष पर हमने मुद्रा ली हुई है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी लिया हुआ है वाई एक्सिस पर इनकम लिया हुआ है। आप देखेंगे SRS1 क्या है आपकी सप्लाई ऑफ मनी कॉन्स्टेंट है। MD जो है मुद्रा की मांग कीमत वक्र के जैसे सप्लाई कर्व के जैसे है यानी कि M है तो हमारी आय में वृद्धि हो रही है अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो आय में वृद्धि होती है यानी कि कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से आय में भी वृद्धि हो जाती है। ये फिर आलोचनाएं हैं। सबसे पहले इसकी आलोचना मुद्रा की परिभाषा बहुत ही व्यापक है यानी कि मुद्रा की परिभाषा को व्याख्या करते समय फ्रिडमैन ने बहुत से कारकों को शामिल कर लिया और मुद्रा अपना मौलिक तत्व मौलिक भावना जो थी मुद्रा की वो जटिल होती चली गई यानी कि हमने वेल्थ के कारकों को जो आपकी संपत्ति के कारकों को ज्यादा उल्लेख किया है अपितु मुद्रा से संबंधित जन चीजों को इनका एस्टिमेशन करना इनकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मुद्रा विलास की वस्तु नहीं है उसने कहा कि हम मुद्रा का क्या करते निवेश करते हैं। आप भौतिक पूंजी में निवेश कर सकते हैं मानव पूंजी में निवेश कर सकते हैं आप जो है ना बॉन्ड में कर सकते इक्विटी में लगा सकते हैं। उसने कहा कि ये आलोचकों ने कहा कि मुद्रा की मांग कोई विलास की वस्तु नहीं जिसको निवेश करने के लिए ही मुद्रा की मांग की जाए। संपत्ति चरों को अधिक महत्व दिया जो हमने बताया कि जो असेट्स हैं आपके उनको अधिक महत्व दिया ना कि मुद्रा के ध्यान को मुद्रा के कारकों को। मुद्रा पूर्ति बहिजार्थ नहीं है यानी कि उसने कहा कि मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण बाह्य कारकों के द्वारा किया जाता वो उचित नहीं है और मुद्रा पूर्ति पर अन्य चरों के प्रभाव की उपेक्षा की गई है। मुद्रा पर अकेला तकनीक का प्रभाव पड़ता है आपकी वस्तु की मांग का प्रभाव पड़ता है वस्तु की पूर्ति का प्रभाव पड़ता है इन कारकों की उपेक्षा की गई है और समय तत्पर विचार नहीं किया गया है। तो इन्हीं आलोचनाओं के साथ हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप बात कर लें अदरवाइज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आपके समक्ष रख रहे हैं। मेरे सामने सिर्फ होशंगाबाद दिखाई दे रहा है और धार दिखाई दे रहा है बड़वानी में पता नहीं लाइट नहीं दिखाई दे रही तो कम रोशनी से दिख रहा है और जबलपुर का एक कॉलेज दिखाई दे रहा है। ये आपकी कोई क्वेरीज हो तो बात कर लीजिए तो अपने पास 2 या 3 मिनट और हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मुद्रा का आय व्यय सिद्धांत का संबंध है 2K से विक्सेल से केन से और डी सभी। सबसे पहला जो हमने सिद्धांत बताया था आय व्यय का सिद्धांत मुद्रा का उसको हमने व्याख्या करते समय बताई थी किन किन अर्थशास्त्रियों ने दिया है तो हमने 4 अर्थशास्त्री बताए थे या तो हमने 3 ही आपसे ऑप्शन में रखे गए हैं। टिमरनी अगर ध्यान दे रहा हो तो वो बताए। होशंगाबाद मेरी आवाज आ रही है
होशंगाबाद। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, माइक ऑन कर लीजिए, टिमर नहीं जी। बेटा बताइए, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सी केंज, अकेला केंज नहीं बताया था हमने जी। बेटा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी, है ना। टू के विक्सेल और एक्टिवेटर का हमने बताया था, केंज ने उसको ज्यादा विकसित से किया, तो क्योंकि हमने कहा संबंध किससे है, तो चारों ही अर्थशास्त्रियों का मुद्रा के आय व्यय से संबंधित है ना। लेकिन ज्यादा जो डेवलप किया वो केंज ने किया है। ये आता कि मुद्रा का आय व्यय का सिद्धांत सबसे अधिक किसने विकसित किया है, देन केंज इज द स्टेबल आंसर होता तब आपका, है ना। देन जो है मुद्रा का आय व्यय सिद्धांत बताता है, मांग में परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण, मांग में परिवर्तन आय के कारण, दोनों के कारण और कोई नहीं। जी है, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे पास। दोनों में ठीक है बेटा। मुद्रा का आय व्यय सिद्धांत जाना जाता है बचत से, बचत सिद्धांत से, निवेश सिद्धांत से, या बचत निवेश सिद्धांत से, कोई नहीं। हमने इसका वेरी गुड, कोई और भी बताए। फोर्थ है बचत निवेश सिद्धांत के अनुसार जब बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो वह होगा अधिक न कम, अधिक बराबर कोई नहीं। हमने बताया था ना सेविंग इज ग्रेटर देन आई कम, वेरी गुड। ये टिमरनी, टिमरनी आवाज सुन रहा है मेरी, ये धार, धार के स्टूडेंट बताएंगे नेक्स्ट, सॉरी। पांच है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, किंज द्वारा पुनः व्यवस्थापित मुद्रा का परिमाण सिद्धांत की मान्यताएं हैं। बेरोजगारी के कारण सभी साधनों की पूर्ति लोचदार होती है, ए, बी, पैमाने का प्रतिफल स्थिर होते हैं, सी, जब तक बेकार संसाधन रहते तब तक प्रभावी मांग तथा मुद्रा का परिमाण उसी अनुपात में बढ़ते हैं, डी, सभी। डी कौन बताएगा, रीवा, टिमरनी, धार, जबलपुर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चलिए डी, हाँ होशंगाबाद से, ये धार से, होशंगाबाद। अपना नाम बता दो बेटा। वंदना चंद्रवंशी। इकोनॉमिक्स में हो या बीए में हो कि उसमें एमए में हो? एमए इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, केंज के अनुसार मुद्रा के परिमाण तथा कीमतों में होने वाले परिवर्तन का कारण है ब्याज की दर, लाभ के कारण, दोनों और कोई नहीं। ये रेड कलर में जो हम बैठे हैं आप बता दीजिए, है बेटा ब्याज की दर, वेरी गुड। फिर सेवंथ है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, एम में वृद्धि होने पर कीमतों में होगी वृद्धि, कमी, दोनों, कोई नहीं। अगर जी वृद्धि, वेरी गुड, यानी कि फिर आपने सही से समझा इसको। पूर्ण रोजगार की स्थिति में एम में वृद्धि होने पर उत्पादन में होती है कमी, अधिक स्थिर हो जाता है, कोई नहीं। हमने डायग्राम, दो डायग्राम बनाए थे आपको, ये डायग्राम मतलब जी स्थिर हो जाता है, वेरी गुड। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा है परिसंपत्ति, पूंजी, वस्तु, दोनों, कोई नहीं। होशंगाबाद ही बता दे, बाकी यहां से रेस्पॉन्स आ नहीं रहा, आवाज नहीं आई बेटा आपकी। दोनों, दोनों ठीक है, वेरी गुड। फ्रीडमैन के अनुसार कुल संपत्ति के अंग है मुद्रा, बांड, इक्विटी, सभी। हमने कुल संपत्ति के अंग बताए थे ना,
मुद्रा बांड इक्विटी तीनों बताए थे, तो डी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडमैन के अनुसार अन्य चरों में है आदत रुचि, तो ये सी आंसर रहेगा। टाइम हो गया। मैं फ्रीडमैन के परिमाण सिद्धांत में कौन सी पूंजी को लिया गया, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, दोनों और कोई नहीं, तो दोनों पूंजी को लिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।